वांचो ट्राइब में पुराने टाइम पे ऐसा होता था, जब इंसान मरता था तो उसके डेड बॉडी को ना ही जलाते थे ना ही दफनाते थे, वो उसको ओ भाई साहब कब्रिस्तान कहाँ मिलेगा? कब्रिस्तान जहाँ पे डेड बॉडी रखता है ना। और आपके गांव में क्या क्या है देखने लायक? ओ बिहू में काटेंगे आपका फेस्टिवल में ना, स्कूल में भी दाव लेके जाते हो, वाइन बना रहे लोकल वाइन ना। पुराने टाइम में जो खास करके वांचो ट्राइब की लड़कियां होती थी उनके ऊपर काफी अत्याचार काफी हैरेसमेंट उनको किया जाता था। हम लोग लड़का मरने से वो इसको बचाएगा। अभी भी अगर कोई गांव पे अभी भी कोई गांव पे मरेगा तो बजाते हैं इसको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो से। अभी मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में। देखो काफी सुंदर सा गाँव है और इस गाँव का नाम है नीनू। लगभग पिछले 3-4 दिनों से मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में ही। लाइक एक जगह को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप उस जगह पर जाओगे वहाँ के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो वहाँ के कल्चर के बारे में वहाँ के हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। अभी मुझे काफ़ी सारी बातें पता चल चुकी है वांचो ट्राइब के बारे में। कल मैं आया था वाका से, वाका से अपने असम ब्रदर के साथ में हम जा रहे थे लोंगडिंग की ओर, लेकिन हम रात को लोंगडिंग नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण। हम रेनकोट पहन के आए थे, फिर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण थोड़ा थोड़ा कपड़ा भीग गया था। तो रात को हम लोग तीसा पे हमने हॉल्ट किया और तीसा में अपने असम ब्रदर की मौसी का घर है तो वहीं पे रात को हमने स्टे किया। मौसी जी ने काफ़ी सारी स्टोरीज बताई हिस्ट्री के बारे में, बहुत सारी यूनिक यूनिक चीज़ें बताई। तो लाइक मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मौसी से बहुत कुछ जानने को मिला। तो अब मैं आ चुका हूँ नीनू विलेज में। आज की वीडियो में मैं वांचो ट्राइब का हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ। एग्जाम चल रहे क्या? तो फाइनली नीनू विलेज के अंदर एंटर हो गया हूँ। एंटर होते ही देखो यहाँ पे एक स्कूल दिख गया है। हेलो, एग्जाम चल रहा है आप लोगों का? अच्छा अभी हो गया, कैसा रहा? बाय 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 बाय। यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्कूल है, यहाँ पे आई थिंक प्राइमरी स्कूल है। हेलो मम्मी तेचा, बढ़िया है ना? और आपके गांव में क्या क्या है देखने लायक? वो पुराने टाइम का जो ये मिलेगा, हेड हंटिंग किया वाला हड्डी वगैरह देखने मिलेगा? मिलेगा ना। चलते हैं अभी गांव के अंदर। ए आज चल रहा है सोशल सर्विस, काम चल रहा है ना। बाय बाय। बाकी देखो यहाँ से एक शॉर्टकट का रास्ता है, बाकी ये गाड़ी वाला रास्ता है। तो मैं लगभग अभी 4 दिनों से लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ और काफ़ी सारी बातें नई नई चीज़ें जानने को मिली है। बाकी कल रात को अपने असम ब्रदर की बुआ ने बहुत सारी चीज़ें बताई। भाई देखो काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई है और बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पे स्कूल से। घर जा रहे हो? हाँ। कितने क्लास में हो आप लोग? सभी सभी लोग 2 में है? 1, 2, 3। तो अभी मैं भी यहाँ से गांव के अंदर जा रहा हूँ पैदल चलते हुए, काफ़ी लाइक ऊंचाई है। बाकी यहाँ से एक शॉर्टकट का रास्ता था, यहाँ पे आपको हर जगह शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। अभी चलते हैं गांव के अंदर नीनू विलेज के अंदर और दिखाते हैं आपको नीनू विलेज। ये जो विलेज है ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला विलेज है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के नाम से फेमस है नीनू विलेज। ये क्या है? ये मोरुंग नहीं है, मोरुंग ये मोरुंग है ना। हेलो वीडियो ले सकता हूँ ना? ओहो कहाँ जा रहे हो? खेती खेती जा बोले ऐसे। देखो अभी सभी लोग खेती जा रहे हैं लड़के। ये क्या है? ये हम लोग का मोरुंग है। मोरुंग है ना? हाँ। अच्छा तो इस पे क्या क्या होता है? यहाँ में हम लोग ये हम लोग सीखने के लिए अगर मरने से उसको बचाएगा। अच्छा अच्छा ये मरने वाला हम लोग लड़का मरने से उसको बचाएगा। अभी भी अगर कोई गांव पे अभी भी कोई गांव पे मरेगा तो बजाते हैं इसको? हाँ ये लोग का कॉलोनी में ये बजाएगा, अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, थैंक यू। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला विलेज है ना लोंगडिंग का? हम लोग का पंचावक का व्यवसाय है। हेलो अच्छा अच्छा सभी लोग खेती जा रहे हो? मिथुन पकड़ने जा रहे हो क्या आप लोग? ओ ये देखो एक बार रुकना एक मिनट। ये देखो ये क्या से बना हुआ है? बेत का है ना? ये देखो ये बेत का बना हुआ रस्सी है। अभी भाई लोग जा रहे हैं मिथुन पकड़ने के लिए, तीनों जा रहे हो मिथुन पकड़ने ना।
हाँ फर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला विलेज यही है ना लॉन्गडिंग का। ठीक है थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, बढ़िया से पकड़ना। तो गांव पे एंट्री करते ही लग गया है मुझे कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला विलेज है, क्योंकि हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं, घरों पे भी लोग हैं, बाकी सभी लोग अभी खेती में जा रहे हैं। बाकी जो दिन के टाइम पे होता है सभी लोग खेत में चले जाते हैं, तो गांव पे कोई दिखता नहीं है। चल के देखते हैं और क्या क्या है गाँव में। किंग के घर चलते हैं, किंग से बात करते हैं, उसके बाद आपको आज देखने को मिलेगा वांगचो ट्राइब का जो पुराने चीज़ें होते थे, पुराने हिस्ट्री के बारे में। अभी तो वैसे सभी ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी में आ चुके हैं, लेकिन पुराने टाइम में उनका रिचुअल्स कैसा होता था सारा कुछ दिखाएंगे। क्यों भाई हो ये मुझे देख रहे काफ़ी गौर से। हेलो, एग्ज़ाम चल रहा है क्या आपका? हो गया एग्ज़ाम? अभी जा रहे हो स्कूल? बच्चे काफ़ी ज़्यादा है वैसे, और काफ़ी प्यारे प्यारे हैंडसम बच्चे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे रास्ता है, और यहाँ पे नीचे खाई है, और यहाँ पे बच्चे हैं। जाप मार दूँ यहाँ से? जम कर दूँ? जम नीचे कर दो बोल ले भाई यहाँ से। एक चीज ध्यान नहीं रुका था यहाँ पे, और यहाँ से देखो कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं। वहाँ भी देखो ये जो घर आपको दिख रहे हैं, ये भी न्यू विलेज का ही पार्ट है, तो काफ़ी मतलब दूर दूर तक फैला हुआ है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे घर दिख रहे हैं, बाकी इस साइड नीचे भी बहुत सारे घर हैं। ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं ना, वांगचो ट्राइब के लोकल जो घर होते हैं उस पे यही पत्ते लगे होते हैं। घर की जो छत होता है ना इसी से बनाते हैं, इसको बोलते हैं टोकू पत्ता। बट वांगचो से इसको क्या कहते हैं कमेंट करके आप बताना। टाइम हो गया सुबह के 10, और सभी लोग अपने खेतों में जा रहे हैं। हेलो, खेतों में जा रहे हो दीदी? यहाँ गांव के सभी लोग खेत में जाएंगे, जितने भी लाइक खेती वेती करते हैं, तो जो लोग भी खेती करते हैं वो अपने खेतों में जाएंगे, और सीधा वो आएंगे शाम को। फाइनली देखो विलेज के अंदर पहुँच गया हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे घर दिख रहे हैं। देखो निनू विलेज के नज़ारे, काफ़ी अलग सा वाइब आ रहा है यहाँ पे। ये जो घर है ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा, देखो काफ़ी नीचे है, लाइक वांगचो ट्राइब का ये बहुत मस्त लगता है। देखो छत जो है नीचे तक आता है कुछ इस तरह से, देखो। और यहाँ पे देखो ये है चर्च, एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में, ये देखो। तो अभी विलेज के अंदर आ गए, और यहाँ पे देखो ये घर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे एक भैया जी है। हेलो ब्रदर, कैसे हो भैया जी? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। मम्मी तैचा, आप क्या कर रहे हो? लाल पानी बनाई से वाइन बना रहे, लोकल वाइन ना? ना ना खाबो, ना खाए मोए तो वाइन नशा हो जाबो तो। ভাল আছে না? মন খুশি হয়, দুখ নাই, অলপ আপনি না খায়? ও দিকন পা আছে। ওহো, তো আপলোক বিহু কে লিয়ে প্ল্যানিং কর রে হো না, কিয়া মিট খানা হ্যায় করকে? ওহা মে হাম লোগ पालता है मिथुन। अच्छा अच्छा, मिथुन कोई कोई मिथुन होने वाला लोग मिथुन कोई कोई काट के खाएगा। अच्छा अच्छा, तो आपका प्लानिंग अभी से चल रहा है? हाँ प्लानिंग अभी से चल रहा है, लेकिन क्या क्या होगा? हाँ बोला है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, लोन काटेगा। इसमें क्या बना रहे हो अभी आप? लव पानी ना? अच्छा देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे राइस बियर बन रहा है काफी बढ़िया तरीके से, और ये देखो ये है चूल्हा यहाँ का काफी सुंदर तरीके से। तो आप लोग खेतों पे नहीं गए? खेते आज नहीं गया है, आज ये दीव का पहले हम लोग। अच्छा अच्छा, प्लानिंग क्या क्या लेगा, क्या क्या करेगा, ऐसे प्लानिंग चल रहा है ना। आपका ही घर है ये? नहीं मेरा घर ऊपर में। अच्छा ये भैया जी का घर है? हाँ ये भैया का। अच्छा अच्छा, यहाँ देखो कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है। ये देखो भैया जी हमें दिखा रहे हैं इनका ट्रेडिशनल बैग वगैरह, देख सकते हो स्पेयर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है घर में टांग के। ये करेगा और ये टोपी पहनेगा, ट्रेडिशनल टोपी आपका। हाँ ये देखो बैग में काफी सारा मंकीज का माथा लगा हुआ है यहाँ पे, ये मंकीज का हेड है स्केलेटन। वाओ, ये आपका टोपी है ना, असल असली टोपी। वाओ,
तैयार हो गए ना आलिया का टाइम में हम लोग ऐसे करके डांस करते हैं ना समय में हम लोग का समय में भी ऐसे है हाँ समय समय में बिहू में भी देगा को अभी अब कब करोगे आप लोग ऐसा डांस ये सब पहन के ये पहन के हम लोग समय समय में होता है उड़िया फेस्टिवल में उड़िया फेस्टिवल में भी होता है अच्छा अच्छा कोई कोई राजा लोग मरेगा ना हाँ हाँ उसको भी हम लोग ऐसे करके अच्छा अच्छा और कोई आदमी मरने से भी नहीं नहीं राजा लोग अच्छा राजा मरने से ना वो जगह का नदी पार अलग गांव का वो राजा लोग मरेगा ना हम लोग को इनवाइट करेगा अच्छा तब आप लोग ऐसा पहन के जाओगे ना ऐसा पहन के हम लोग डांसिंग करेंगे अच्छा पूरा तेरे लंगोटी पहन के अच्छा ये देखो भैया लोग अभी बाहर आ गए हैं और कैसे गाना गाते हो आप लोग फेस्टिवल के टाइम पे ऐसे ऐसे करके ओ ऐसे करके ना ऐसे करके ओ ऐसे करके और पहले जब हेड हंटिंग करते थे ना गला काटते थे ना वो कैसे काटते थे एक बार काट के दिखाइएगा ऐसा ऐसा मार के दिखाइए ना दाव को ऐसा पकड़ के अच्छा ओ ओ भाई साहब ओ ओ भाई ओ पुराने टाइम पे जब कोई हंटिंग करने जाता था तो कुछ इस तरह से लाइक गला को काटते थे भाई वो दिखा रहे भैया लोग देखो आंटी जी बैठ के हंस रही है और देखो गांव पे कितने सारे बच्चे भाई चलिए चलिए अंदर चलते खतरनाक दिखा दिया मजा आ गया ऐसे करके काटते थे ऐसे शिकार करने जाते थे ना पहले हेलो ये देखो प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे ओ सो रहे हैं मम्मा तैचा बोलते हैं क्या जाते समय या क्या बोलते हैं हाँ मम्मा तैचा भी बोल सकता है वो भी जो बोलते हैं जो बाय बाय को जो भी बोलते हैं ना जो जो तो काफी देर वहाँ पे रुका वो जो भैया लोग थे वो लोग राइस बियर वगैरह बना रहे थे और लाइक ऐसे ही होते हैं यहाँ पे लोकल बियर वगैरह बनाते हैं कुछ से घर पे पानी वानी गर्म करके उस पर प्रोसेस रहता है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं बढ़िया तरीके से अभी गांव पे ज़्यादा लोग देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आई थिंक सभी लोग खेतों में जा चुके हैं तो कुछ यही सीन रहता है यहाँ पे डेली का यहाँ पे देखो भैया जी बना रहे घर ये पत्ता को आप लोग की भाषा से क्या बोलते हैं लव लक बोलते हैं अच्छा ऐसे बांध के फिर छत पे लगाते हैं ना लाओ ना बोलता है। अच्छा देखो अभी यहाँ पे घर तैयार हो रहा है ठीक और दिन को तो सब लोग खेती पे चला जाता होगा ना होगा ना ठीक है भैया थैंक यू ये भी मोरूंगे क्या गांव में कितना मोरूंगे सात मोरूंग अच्छा सबका अलग अलग रहता है क्या अच्छा अच्छा ठीक है यहाँ पे भी एक मोरूंग है एक्चुअली मोरूंग के अंदर में आपको ऐसा लॉक टर्म देखने को मिल जाएगा ये जो है काफ़ी बड़ा सा एक ही पेड़ से बना हुआ एक आप ढोल कह सकते हो तो इसको बजाते हैं अलग अलग सिग्नल से अलग अलग जो चीज़ को दर्शाना होता है जैसे कोई मर गया तो अलग सिग्नल कोई एनिमी आ गया गांव में तो अलग सिग्नल तो कुछ इस टाइप से यूज़ किया जाता था बाकी ये जो मोरंग में रखते हैं और राजा के घर में रखते हैं और आई थिंक ये जो है लॉक टर्म जो है ये वांचू ट्राइब में दूसरे लोकल जो अपना कोई भी नॉर्मल इंसान है वो अपने घर पर नहीं रख सकता ऐसा कल मुझे पता लगा था अभी मैं आ चुका हूँ नीनू विलेज के किंग के घर में ये देखो ये है किंग का घर और यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको ये धान कूटने का कुछ ऐसा है यहाँ देखो यहाँ पे काफ़ी सारा छेद है इसमें
ये जो है बस किंग के घर में रहता है, बाकी नॉर्मल लोग ऐसा नहीं रखते अपने घर में। और किंग अभी घर पे नहीं है, देख सकते हो काफ़ी सुंदर सा है। यहाँ पे देखो ये सारे यहाँ के दुकान है, लेकिन सारी दुकान अभी बंद है। आई थिंक लोग खेतों में गए होंगे या फिर पता नहीं क्यों बंद है। तो घर ऐसे ही है, सारे खेड़ के घर हैं यहाँ पे, ऐसे आपको ऐसे ही खेड़ के घर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो गांव में एक पत्थर लगाया गया है, 1991 में एस्टेब्लिश हुआ था और 2016 में इसको लगाया गया है। 25 साल कंप्लीट होने पे इसका सिल्वर जुबली मनाया गया इस विलेज का, नीनू विलेज का। कल जब मैं असम के मौसी के घर में था तो उस टाइम पे असम की मौसी जी ने बहुत सारी हिस्ट्री मुझे बताई वांचो ट्राइब के बारे में। यहाँ पे वांचो ट्राइब में ऑलमोस्ट अभी तो सभी ने क्रिश्चियनिटी को एडोप्ट कर लिया है, बाकी उससे पहले काफ़ी यूनिक रूल्स वगैरह थी। यहाँ पे देखो ये एक नॉर्मल इंसान का घर है, तो यहाँ पे ये जो चावल पीसने वाला है, चावल कूटने वाला, इस पर दो ही छेद है। सिस्टर ये कब्रिस्तान कहाँ मिलेगा? कब्रिस्तान जहाँ पे डेड बॉडी रखता है ना, किस आगे साइड है? आगे। थैंक यू। हेलो। गांव के काफी अंदर आ गया हूँ और मैं अकेला ही हूँ, अपने साथ कोई है नहीं गाइड करने के लिए कहाँ पे क्या है। देखो बच्चे बहुत सारे हैं। हेलो मम्मी तेचा, स्कूल से आ रहे हो भाई? बाकी बच्चे बहुत सारे गांव में, पीछे भी बहुत सारे बच्चे दिखे थे, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं। हेलो करो, हेलो करो सभी लोग। अभी गांव के अंदर ही घूम रहा हूँ, बाकी काफी सारे अभी बच्चे भी मेरे साथ घूम रहे। देखो कितने सारे बच्चे हैं। आप लोगों का क्या नाम है छोटू? और यहाँ भी देखो भाई दाव लेके चल रहे हैं। आपका क्या नाम है? स्कूल में भी दाव लेके जाते हो? आज सोशल सर्विस था आपका ना, साफ सफाई करने। तो आज सैटरडे है तो भाई लोगों का आज सोशल सर्विस चल रहा था, दाव लेके गए थे बच्चे स्कूल में। देख लो भाई कितने सारे हैं। अभी यहाँ पे गांव पे ही हूँ और यहाँ पे देखो छोटा सा दुकान है काफी। यहाँ पे बाकी दुकान ज्यादा नहीं है ना ब्रदर? नहीं है। देखो यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट लेने के लिए आया था, लेकिन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, अभी सब कहाँ जाओगे? घर जाओगे ना? घर कहाँ जाएगा? कैसे बोलते हैं आपका भाषा से बताओ। अपना अपना घर जाओ, ठीक है? टाइम नहीं होता ना, मैं भी फिर अलग अलग जगह जाता हूँ ना। बाय बाय। प्लास्टिक सब पॉकेट में डालना, ठीक है? काफी सारे प्यारे प्यारे बच्चे मिले थे, सभी को चॉकलेट वगैरह खिलाने के बाद में अभी गांव की मैं नीचे साइड में जा रहा हूँ, बाकी अलग ही फीलिंग है यहाँ पे। क्या हो गया उसको? देखो पुराने टाइम में धान कुछ ऐसे ही कूटा जाता था, बाकी अभी भी लोग ऐसे ही धान कूटते हैं गांव में अपने हाथों से ही लोकल चावल को, लेकिन पुराने टाइम पे तो सभी लोग ऐसा ही करते थे। लेकिन आई थिंक आजकल के टाइम पे मशीन वगैरह का भी यूज़ किया जाता होगा, उसके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन गाँव पर मैंने मशीन वगैरह देखा नहीं है, शायद हाथ से ही कूट के निकालते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ गाँव के नीचे साइड में और सबसे यहाँ पर एक यूनिक चीज़ बता दो आपको। वांचो ट्राइब में पुराने टाइम पे ऐसा होता था, जब इंसान मरता था तो उसके डेड बॉडी को ना ही जलाते थे ना ही दफनाते थे, वो उसको खुला ही रख देते थे सड़ने के लिए, और सड़ने के बाद में उसके जो खोपड़ी होता है, उसका जो स्केलेट होता है सर का, उसको वो निकालते थे काट करके और उसको बढ़िया तरीके से उसको सुखाते थे, आग से सेकते थे, सेवा करते थे, उसको सजा के रखते थे दूसरे जगह पर बॉडी से अलग करके।
तो कुछ ये सीन हुआ करता था। चंग बनाता था ना, ऐसे चंग बना के उसमें ये कारपेट में खुला से रख देता था, खुला से रख देते हैं। कारपेट में उसमें ऐसे रख देगा और ये लोग तक देखेगा। यहाँ से पूरा आदमी बैठने के लिए ऐसे रखेगा, तब भी यहाँ में आग जलाएगा और डेड बॉडी जो ऐसे करके चंग में रखेगा, तब भी जो जितना भी सारता है वो पूरा यहाँ में गिरेगा और उसमें आदमी बैठने के लिए यहाँ से ऐसे करके पूरा फेंसिंग जैसा ना बना के इस तरफ में करके रखता था। और राजा रानी लोग मरने से ऐसे हम लोग का घर जैसा बनाएगा, उसका बाद में डेड बॉडी को बांधता ही नहीं, यहाँ में सुला के रखेगा और यहाँ में आग जलाएगा और यहाँ में उसका रिसाइकल लोग कैसे बैठेगा। तो बहुत ज्यादा गंद होने से उपाय नहीं होके वहाँ में पूरा इसको ऐसा थोड़ा सा खुल के बाहर में माथा निकाल के सोता था बोला। लास्ट को खुला में रख देता था ना, खुला में रख देता था। अच्छा, तो फिर सरने के बाद में, सरने के बाद में माथा को ले लेगा, मतलब वो सरने से पहले भी आदमी बैठता था वहाँ में। वहाँ में सरते हुए बैठता है डेली डेली, जब तक नहीं सड़ेगा तब तक। जब तक माथा को निकाल के सूखा सूखा करके लाल लाल से ऐसा डाक के नेम करके अलग जगह में वो मटका में दबा के अलग जगह में नहीं रखने से पहले कल से फेंक देने के बाद में कल से कंटिन्यू बैठेगा वहाँ। ऐसा ना, तो फिर माथा को निकाल के ले जाएगा। माथा को निकाल के सुखा के अच्छा से रखने के बाद में फिर नीम करके अलग जगह में जो माथा रखने वाला जगह अलग और डेड बॉडी फेंकने वाला जगह अलग हमें छोड़ देगा। उसके बाद सिर्फ माथा अकेला निकाल के मटका में भरा के उसको ठप के अलग जगह में रख देगा। अच्छा, डेड बॉडी को फिर माथा निकालने के बाद जमीन में दबा देता था ना, ऊपर ही छोड़ देगा रखेगा। और पुराने टाइम में, वांचू टाइम में कुछ ऐसा होता था कि जैसे कि मान लो वांचू ट्राइब का, ये भी वांचू ट्राइब का ही विलेज है और ये भी वांचू ट्राइब का ही विलेज है, लेकिन इसमें रहते हैं पांचा सरनेम वाले लोग और इसमें रहते हैं वांगचू सरनेम वाले लोग। तो ये दोनों एक अपने में ही दुश्मनी होता था इनका। जैसे कि ये इस गांव वाला बंदा इस गाँव में जाता था हेड हंट करने के लिए, और ये जो गाँव वाला बंदा है ये जाएगा इस विलेज में हेड हंट करने के लिए, और अगर इस विलेज से कोई इधर आया तो उसको काट दिया जाता था। कुछ ऐसा हेड हंटिंग वाला प्रथा चलता था पुराने टाइम में। तो ये सब चीज़ें जान के मतलब बहुत यूनिक लगा। पुराने टाइम में ये सब किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे काफ़ी चेंज हो चुका है, अभी जो है बहुत बदल चुका है। ऑलमोस्ट लोगों ने क्रिश्चियनिटी एडॉप्ट कर लिया है, तो उसके वजह से अभी ये सब चीज़ों को सभी ने छोड़ दिया है। ओ, बिहू में काटेंगे? हाँ। आपका फेस्टिवल में ना? हाँ। खुला रहता है ये? नहीं, अच्छा बना हुआ है ना? अच्छा अच्छा, भैंस भैंस है क्या ये? अक्टूबर में होगा। अच्छा अच्छा, अभी आप लोग लकड़ी लेने जा रहे हो ना? अच्छा अच्छा, ये देखो यहाँ पे एक भैंस है बांधा हुआ, मैंने सोचा ये खुला है, इसको यहाँ पे बांध के रखते हैं और जब इनका जो फेस्टिवल होगा तो उसको यहाँ पे इसको काटा जाएगा और इसको फिर खाया जाएगा। और वांचू ट्राइब में और एक चीज़ ये भी पता चला है मुझे कि पुराने टाइम में लगभग बहुत सालों पहले यहाँ पे कुछ ऐसा होता था कि जैसे कि एक विलेज है, जैसे कि मान लो नीनू विलेज है, नीनू विलेज के लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने भी लड़के होंगे जितने भी बच्चे होंगे तो उनका बचपन में ही शादी फिक्स हो जाता था कि इससे हमारे बेटे शादी करेंगे, इससे हमारी बेटियाँ शादी करेंगी करके पहले ही बचपन में ही उनका शादी फिक्स हो जाता था, अपने ही मामा के बेटे के साथ में ऐसे शादी करते थे ऐसा बता रहे थे। तो कुछ ये सीन था। तो अगर मान लो गांव पे लाइक लड़कियां कम पड़ गई तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे गांव पे जाएंगे लड़कियों को किडनैप करने के लिए। और पहले का पुराना हम लोग का आगे लोग में तो जैसे कि मेरा मामा का घर में जैसे होने से हम ही सारी करना है। अच्छा, तुम्हारा मामा को पालने के लिए जाऊंगे तो मामा का घर में बड़ा लड़का नहीं मिलने से लड़की जो मामा का तरफ में और हमारा तरफ में हम जो लड़का होने से तुम्हारा बुआ को पालने के लिए जैसे होने से तुम्हारा बुआ का घर में सारी करना है उनके ना, प्यार नहीं करने से भी जबरदस्ती मामा का बेटी से मामा का बेटा से अपना अपना में शादी करता था ना।
मैंने सिकेन वाला मैंने एक घर में लड़का तीन होने से फास वाला को ही मिलेगा लड़की। अच्छा। और सिकेन वाला लोग को तो क्या खाने के लिए शादी करेगा, उसका साथ शादी मत करो। मुझे वो लोग का धनी वाला लोग का घर में और वो फास वाला लड़का का साथ में शादी करो, उनके माँ पिता लोग ऐसा जिद करेगा जबरदस्त ना। हाँ जबरदस्त। मैंने सिकेन वाला का साथ में तो शादी नहीं करना है, उनके प्यार करने से भी बहुत जबरदस्ती करके अलग कर देता है। अलग अलग गांवों में जैसे कि पहले टाइम में होता एक ही गांव में करता था ना। अलग अलग गांव में तो नहीं होता कोई कोई। अलग अलग गांव में तो दुश्मन टाइप में होता होगा ना पुराने टाइम में तो। बहुत दुश्मन, इस बस्ती से तो दुश्मन, उस बस्ती से तो दुश्मन, अपना से जो सामने कोने कोना में पूरा दुश्मन। इसीलिए तो पूरा बस्ती को तो पूरा फेंसिंग लगा के डाउन करके ऐसा करके, तो किसी बस्ती का भाषा भी नहीं सुनेगा, किसी बस्ती का शकल सूरत नहीं देखेगा, किसी बस्ती का जगह नहीं देखेगा, कहीं में भी शरीर सुरा नहीं करता। वंचो वंचो में भी ना, लेकिन अपना ही गांव में, अपना ही गांव में जैसे कोन्नू का है तो कोन्नू में ही शादी करेगा। हाँ। दुश्मन लोग गला और पाँव हाथ काट के ले के चला जाता था, तो वो जो बचा वाला शरीर को फिर क्या करता था? बचाने वाला तो मैंने हम लोग के ले जा करके वो अपना माँ पिता लोग ने ले जा करके डेड बोरी फेंकता है ना कहीं में ले जाके, मैंने डेड बोरी बना के फेंकता है। और जैसे वो चांग का ऊपर में लेटा देगा उसको नहीं, और रुको ना, एक्सीडेंट हो के मरने वाला आदमी और दुश्मन ने मराने वाला आदमी लोग को मैंने बहुत खराब से मरा है, उनके ना अलग जगह में ऐसे फेंक देता, ऐसे फेंक देता था। घास का घास तो बहुत खतरनाक से डर डर से ना बहुत खराब से जगह एक था, उस जगह में जो भी ऐसा वाला रोग खराब से मरा है बोल के ना आज फेंक दिया तो कल से ही नहीं देखेगा वो लोग को। बहुत अच्छा से बीमार होके मरने वाला लोग को अकेला देखभाल करता है। अभी भी होगा वो सब जगह तो, हड्डी वड्डी बहुत होगा बहुत था, तो अभी तो पूरा गाड़ी रास्ता बना रहे साफ कर दिया। हाँ पूरा कम कर दिया। पहले में तो हम लोग का बचपन में तो पूरा ऐसा ऐसा करके उधर में डाक देगा, ऐसा ऐसा करके डाक देगा रास्ता के किनारे में किसी मंगल देखने वाला में, ये तो गलत रास्ता चला गया गंदा जगह में, वो तो ऐसे ऐसे हो बोलने से तो माथा नहीं उठा के सोने वाला लोग माथा भी हुआ में हाथ पाव लोग ऐसा ऐसा वाला लोग पूरा खतरा से था ना, इस तरफ रास्ता का किनारे में ना हर जगह लाश देखने को मिलता था ना, ऐसे था उसका डेड बॉडी। तो ऐसे करके रास्ता का किनारे में चंग बना के फेंका है तो उसका डेड बॉडी तो मैंने माथा भी मैंने गलत में खराब से मरा है, उनके माथा भी नहीं उठाया तो जानवर आकर के तो उसको चपली मैंने चटाई से अच्छा से बांध के छोड़ने वाला जो दांत को ये जानवर लोग आकर के तो पूरा चटाई को तो खून के फेंक दिया। खून के फेंकने के बाद में तो वो ऐसा लंबा से वो चंका ऊपर में ना रास्ता के किनारे में तो पूरा चमड़ा लोग पूरा सहने के लिए तो पूरा काला हो करके उसका बाद में वो जानवर लोग ने तान के हाथ जो ऐसा करके वो ऐसा वाला चंका नीचे में चंका ऊपर में हाथ जो ऐसा करके काला करके ऐसा करके देखने से नहीं देखेगा सुशनी जी काला करके ऐसा सो के देखते बाप रे ऐसे ऐसे डेड बॉडी देखता था डायरेक्ट ना। मान लो नीनू विलेज में सभी का शादी फिक्स हो गया, बाकी काफी सारे लड़के बच गए जिनके लिए लड़कियां नहीं बची, तो वो क्या करेंगे, दूसरे गांव से लड़कियों को चुरा करके रात के टाइम पे लेके आते थे। कभी कभी म्यांमार वाले भी इंडिया में आ जाते थे और यहाँ से इनकी लड़कियों को वो लेके चुरा के चले जाते थे। और एक विलेज दूसरे विलेज के साथ दुश्मन रहता था, इसके कारण वो ढूंढने भी नहीं जा सकते थे, अगर ढूंढने के लिए जाएंगे तो वो उनको किल कर देंगे डायरेक्ट। और किल करने का भी सिस्टम ऐसा नहीं था भाई, वो क्या करते थे, अगर कोई लाइक किल करने के लिए आएगा तो क्या करेगा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर और सर को काट के वो अपने गांव पे लेकर जाता था, और जो बीच का जो शरीर है बस वही बॉडी पार्ट को वो उसके गांव में छोड़ देता था, बाकी जो हंट करने जाता था वो उसके हाथ पैर सर सारा कुछ लेके अपने गांव में जाता था, और वहां पे लाइक वो गांव में हेड को तो वो सजा के रख देते थे अपने मोरंग में, और हाथ पैर को शायद कहीं साइड में फेंक देते थे। आदमी मराने का बाद में उसका बल्ली के लिए मराने से हाथ यहाँ से काटेगा पाँव भी यहाँ से काटेगा, सिर्फ इतना सोचता है बोला। और मैंने ऐसे दुश्मन है वो उनके मराने से यहाँ से काटेगा पाँव भी यहाँ से काटेगा तब भी लंबा से छोड़ेगा। अच्छा बलि के लिए भी अपना आदमी को भी काटता था क्या पहले? अपना आदमी को तो नहीं काटता है, ओ बाहर से लेके मतलब दूसरा को ना भगवान को चढ़ाता था। भगवान को चढ़ाने के लिए नहीं, हम लोग ऐसे ही पूरा जैसे होने से भी मराना है खत्म करना है हमें, मैंने
जिसने दुश्मन को मराता है उसको ही हीरो बोलता है ना। ओ दुश्मन का बलि ना। हाँ तो पूरा वो बलि बोल के बस्ती में ही पूरा एक बड़ा से राजा का घर का सामने में घास है उसमें ही हमने मराया है बोल के पूरा नाम बड़ा होने के लिए। अच्छा अच्छा दूसरा जगह का आदमी लोग को मतलब ना। हाँ तभी इसने मराया है बोल के मराने वाला आदमी को मैंने दुश्मन को मरा सकने वाला हीरो है उनके जानने रोगों के फेस में टीटू बनाएगा में टीटू बनाएगा ऐसे बनाता था ना टेटू बनाता था चेहरा पे भी ना। हाँ टीटू जो ऐसा करके ऐसा बनाएगा और फेस में भी बनाएगा। तो बोला चाचा भी तो उसी ने कब्जा करके दब चुका है उनके बहुत नेम किया हम लोग कुत्ता को जिंदा में ले जा करके भी दबनाया है और पूरा वो जिंदा में। हाँ क्यों मैंने उसको मैंने उस आत्मा को उस कुत्ता ने भोक भोक करके आत्मा जो जाने रोगों के ऐसा नेम करके ना कुत्ता को भी जिंदा में ले जा करके भी डरनाया है। उसका बाद में पूरा मुलोंग में जा करके पूरा वो काट लोग हम लोग बजाने के लिए बनाने वाला वो सबको बजा बजा करके भी वो नेम सेम किया है हम लोग फिर भी अच्छा होने के लिए नहीं सके कृष्ण ले आए फिर अच्छा होने के लिए कृष्ण लेने के साथ साथ तो अमेरिकन में ले जाने से भी अच्छा होता ही नहीं ऐसा करके मर गया ऐसा करके पिताजी भी मर गया उसका बीबी बच्चा से लेकर सब एक एक करके मर के खत्म हो गया ना। तो मैंने गवर्नमेंट ने ऐसा एक दूसरा का बस्ती से जकरा मकरा भी नहीं करना है एक दूसरा का है कल्टिंग नहीं करना है बोल के पूरा गवर्नमेंट ने माना करने के बाद में मेरा पिताजी तो गंगूरा के लिए पूरा ऐसा करने के बाद में मराया एवं के मेरा पिताजी को तो गवर्नमेंट ने ले जा करके जेल में सीएस बैठा है बुलाए ना। तो असोम की मौसी जी बता रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे गांव के सामने सामने हड्डी वगैरह रखा गया है जैसे कि शिकार किया हुआ जैसे कि दूसरे गांव से शिकार करके लाते थे तो उसको वो साइड साइड में फेंक देते थे। भाई बहुत यूनिक है यहाँ का जो कहानी है ना इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए बढ़िया सा इसके ऊपर एक मूवी बनना चाहिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग गया देखने में। असोम की मौसी जी ने मुझे बहुत सारी स्टोरी बताई। एक स्टोरी उन्होंने ऐसा बताया था कि एक ऐसा झोपड़ी था जहाँ पे एक बूढ़ा इंसान और एक उसकी बेटी रहती थी तो रात के टाइम एनिमी आ गए थे उनको काटने के लिए और गन लगा दिया था लाइक छेद छेद होता है इसके घरों के जो वाल है उसमें छोटा छोटा छेद रहता है तो वहाँ से गन लगा दिया था उसको मारने के लिए तो उनको पता चल गया तो एक छोटी जो बेटी थी वो कहीं पर छुप गई थी जाके और वो जो इंसान था उसको वो मारने ही वाले थे। उतने में ही जो जो मारने के लिए आए थे उनको उनके एक बंदे को क्या हुआ जो कमांड कर रहा था जो मेन लेके आया था जैसे कि कमांडर जो होता है ना ग्रुप का तो कमांडर को क्या हुआ मुर्गी बीमार आ गया और मुर्गी बीमार को भी यहाँ पे वन चोटा में ऐसा मानते हैं कि वो जो बुरा आत्मा है वो आके उसको तड़पाता है लाइक मुर्गी बीमार तो हमने नाम दे दिया करके बता रही थी मौसी जी ऐसा बता रही थी कि लाइक बुरा आत्मा आके तड़पाने लगता है तो वैसा होकर और वो जो है वो जो ग्रुप है जो हंटिंग करने आया था इंसान का वो उसको मुर्गी बीमार वाले को लेके वापस भाग गए और ये स्टोरी पता चला है उन्हीं ग्रुप से जो मारने के लिए आए थे और असोम की मौसी जी को उसने बताया वो जो इंसान है जो हंटिंग करने गया था वो अभी भी जिंदा है। तो कुछ ऐसी बहुत हिडन कहानियाँ हैं जो कि लोकल लोगों के साथ ही पता चलता है। भाई ये देखो वांचो ट्राइब में कुछ नॉर्मल आपको घर ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे हर जगह पर यहाँ पर देख सकते हो ये भी है। और गांव में कुछ भी हो गया अगर कुछ भी फैसला लेना है तो इनका पुराने टाइम पे अपना पार्लियामेंट भी हुआ करता था जिसको मोरुंग कहते हैं जहाँ पे विलेज के जो किंग होते हैं वो सारे आकर के और मोरुंग में बैठकर वो फैसला करते थे और लेकिन वहाँ पे लड़कियाँ अलाउड नहीं थी वहाँ पे बस लड़के आएंगे अगर कुछ वार करना हो तो जो भी प्लानिंग वगैरह होगा वो मोरुंग से ही किया जाता था और कुछ भी अगर सिग्नल देना हो तो मोरुंग का जो लोक ड्रम होता है उसको बजाते थे और फिर सिग्नल देते थे तब गाँव के सारे लड़के जो है वॉरियर्स जो है वो तैयार हो जाते थे कुछ करने के लिए अगर कोई गांव पे एनिमी आ रहा है तो उससे बचने के लिए या फिर कहीं पे कहीं पे किसी को हंट करने जाना है या फिर गांव पे कुछ खबर जैसे कि गांव पे कुछ हो गया कोई आ गया तो ये सब सिग्नल जो है मोरुंग से मिल जाता था। भारत के इन गांवों में आज भी राजा रानी वाला सिस्टम चलता है अगर कुछ भी फैसला लेना हो तो यहाँ का जो राजा है वो फैसला लेता है और लाइक राजा का भी सिस्टम कुछ अलग है जैसे कि अगर राजा का जो बेटा है वो राजा होता है लेकिन उसने अगर राजा के फैमिली से शादी नहीं किया उसके बेटे ने तो फिर वो राजा नहीं बन पाएगा
तो कुछ ऐसा सिस्टम है। ये जो घर है भाई देखो, ये तो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ही बसा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, ये ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है पूरा पूरा, जो भी जितना भी पिल्लर है भाई, ज़मीन के ऊपर घर है देखो। और ज़्यादा हवा आएगा तो ये तो पलट भी सकता है। पुराने टाइम में जो खास करके वांचू ट्राइब की लड़कियाँ होती थी, उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार, काफ़ी हेरेसमेंट उनको किया जाता था। लाइक जैसे कि मान लो कोई म्यांमार, पुराने टाइम पे म्यांमार को बर्मा कहते थे, तो कोई बर्मा से आकर के और इनकी लड़कियों को रात के अंधेरे में किडनैप करके ले जाते थे। रात के अंधेरे में लड़की को बिल्कुल पता नहीं चलता था कि वो कहाँ से आई है, कितने विलेजेस पार करके वो कहाँ पे आ गई जंगल के बीच में। कुछ ऐसे ही जंगल के बीचों बीच विलेज हुआ करता है वांचू ट्राइब का, तो बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा कि मुझे इधर जाना है या इधर जाना है, कि मैं किस साइड से आई हूँ, और ना ही उसके फैमिली वाले उसे ढूंढने के लिए आते थे। तो एक लड़की को किडनैप करके ले जाते थे, तो वो लाइफ टाइम रोते हुए उसका गुजर जाता था, अपने फैमिली को लाइफ टाइम के लिए भूल के वो किडनैपर्स के साथ ही शादी करके उनके साथ ही घर बसाना पड़ता था मजबूरन। तो काफ़ी सारा लाइक हेरेसमेंट होता था वांचू ट्राइब की लड़कियों के ऊपर, दूसरे विलेज की लड़कियों को किडनैप करते थे। लाइक ये जो विलेज है वो उधर के लोगों को काटने के लिए जाएगा, और उधर के लोग जो हैं इधर के लोगों को काटने के लिए आएंगे। तो सभी लाइक सेम सा ही दुश्मन मानते थे अपने एक दूसरे को। लेकिन अब के टाइम पे चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है, काफ़ी नहीं पूरा का पूरा चेंज हो ही चुका है। फिर बाद में क्या हुआ कि सरकार ने बैन लगा दिया हेड हंटिंग के ऊपर, तो कुछ लोगों ने सरकार ने बैन लगाने के बाद भी हेड हंटिंग किया, तो उनको जेल में भी रखा गया, उनको क्या सज़ा भी दिया गया। तो धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज हो गई, लोगों ने ये सब प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। और एक चीज़ और एक ख़ास चीज़, वांचू ट्राइब और लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट जूम कल्टीवेशन के लिए जाना माना जगह है। यहाँ पे जूम कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जूम यानी कि मिलेट्स, जो मड़ुआ बोलते हैं उत्तराखंड पे, गोला बोलते, कोदो बोलते हैं, तो यहाँ पे जूम कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पुराने टाइम में जो वांचू ट्राइब के लोग थे वो अपने डेली, अभी जैसे हम इंडिया में डेली लाइक सुबह रोटी खाएंगे या फिर चावल खाएंगे, लेकिन पुराने टाइम पे जो वांचू ट्राइब थी वो मेज़ का यूज़ करते थे मकई का। वो मकई को पीसते थे, लाइक पाउडर बनाते थे, और एक चावल के और एक थोड़ा सा उससे मोटा चावल बनाते थे उससे, तो मकई का ही ज़्यादा यूज़ करते थे, और बाकी जो भी सब्जी वगैरह था अपने खेतों में उगाते थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे एक लाइक तालाब जैसा है जहाँ पे नमक वाला पानी मिलता है, तो वांचू ट्राइब के लोग पुराने टाइम पे वहीं से पानी भर के, जो बेम्बू होता था बेम्बू को काट के और उसके अंदर बेम्बू के अंदर पानी भर के और अपने घर पे उठाकर लेके जाते थे वो नमक पानी, और सब्जी वगैरह में वो नमक का इस्तेमाल वहीं से करते थे। धीरे धीरे चीज़ें बदल गई, तो बाद में बाज़ार से खरीदने लगे, और कुछ इस तरह से धीरे धीरे करके अब वांचू ट्राइब जो है वो बहुत ही मॉडर्न हो चुका है। बाकी ये सब चीज़ें उन्होंने काफ़ी पहले ही छोड़ दिया है, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है। वांचू ट्राइब के अपर वांचू है, मिडिल वांचू है, लोअर वांचू है, अब सभी लोग काफ़ी बढ़िया तरीके से मिलजुल के रहते हैं, साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ लोग बचे हुए उस टाइम के, जो कि आपको ये स्टोरीज वगैरह बता सकेंगे पहले किस टाइप से वो रहते थे, किस टाइप से उनका पूजा हुआ करते था। वांचू ट्राइब में जब कल्टीवेशन, जब खेती लगाया जाता है, तो भी उनका बहुत सारा नियम रिचुअल वगैरह होता है, और जब खेती कटाई हो जाती है उस टाइम भी बहुत सारा उनका नियम वगैरह किया जाता है। और जब गाँव के और जब वांचू ट्राइब के गाँव के लोग किसी दूसरे गांव से किसी का सर काट कर लेके आते थे, तो उसके चेहरे पे टैटू लगता था, चेस्ट में टैटू लगता था, उस तरह से उसको टैटू बनाया जाता था ताकि लोग उसको पहचाने कि ये वारियर है करके। तो सभी जो जवान लड़के होते थे वो कोशिश यही करते थे कि दूसरे गांव पे जाए और दूसरे गांव के लोगों का सर हंट करके लेके आए, ताकि उसको महान समझा जाए, वारियर समझा जाए। तो कुछ ये सिस्टम था, कल्चर कुछ इस तरीके से था वांचू ट्राइब का। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे, मैं अभी यहाँ पे 4 दिन से हूँ, 4 दिन में चीज़ें काफ़ी सारी समझ में आ गई मुझे, और जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आज जो है अपना लास्ट डे है यहाँ पे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाद यहाँ से मैं निकल जाऊँगा तिराप डिस्ट्रिक्ट की ओर। सो अभी मैं हूँ रास्ते में, और बारिश काफ़ी आने लगी है, देख सकते हो। मैं अम्ब्रेला वगैरह कुछ नहीं लिया है, मैंने अपना जो बैग है, बड़ा सा बैग, वो मैंने तीसा में रखा है एक रेस्टोरेंट में। अभी जाके बैग लूँगा और मैं निकलूँगा तिराप डिस्ट्रिक्ट की ओर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने असम भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे आपसे तिराप में। ये मैंने कुछ अगर गलत चीज़ बताया है, गलती से मैंने बता दिया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और आप कमेंट में उन चीज़ों को करेक्ट करना। और यहाँ पे देखो, अभी आपको मैं खेत दिखाता हूँ, वांचू ट्राइब का जो खेत होता है वो कैसा होता है,
वहाँ पे देखो ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर जो ये साफ इलाका दिख रहा है ये वांचो ट्राइब का, ये जो वांचो ट्राइब के लोग हैं पहाड़ियों में ही खेती करते हैं और वहाँ पे छोटा छोटा घर बनाते हैं जहाँ पे वो खेती के टाइम पे जाके रेस्ट वगैरह करते हैं, वहीं पे खाना वगैरह खाते हैं या फिर एक दो दिन तक वो वहीं पे रह के खेती में काम करते हैं। मम्मा तैचा लकड़ी घर पे ले जा रहे हो? तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से तीसा की ओर और तीसा से निकल जाऊँगा तिराप। फाइनली कौनसा में पहुंच चुका हूं और अपन ब्रदर ने हमें लॉन्गनिंग से लेके तिराप तक लेके आए। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, चाय पी रहे चाय पी रहे अभी ब्रदर, नहीं हुए ना, हो गए ना? आते ही भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय बना दिया है हमारे लिए, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू भाभी जी, अभी नोखन ब्रदर के घर पे और यहाँ पे चाय पी रहे हैं। यहाँ देखो, हेलो, इनकी प्यारी सी बेटी प्रिंसी ना, प्रिंसी प्रिंचा 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 शिक्षा प्रिंचा। यहाँ पे है ग्रेसी। हेलो करो, हेलो करो, हेलो। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हमको ब्रदर को हम टेक्स्ट किया था वहाँ में, फिर क्या था यूट्यूब में, तो आज को हम सो रहा था जब उठा तब ऐसे देखा तो यूट्यूब में वापस रिप्लाई आ रहा था, तो अरे चौंक गया हम तो, फिर टेक्स्ट किया तो वेलकम गेट पहुँच गया हो गया। ब्रदर को सरप्राइज कर दिया, इनका मैंने वीडियोस वगैरह देखा था यूट्यूब पे और लाइक मैं इधर आने का मैंने सोचा नहीं था, मैं सोचा था लॉन्गनिंग से वापस जाऊं करके, लेकिन फिर मैंने सोचा यहाँ पे आके फिर जाऊंगा तो फिर कुछ कमी रह जाएगा, लाइक ये तिराप और जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल पास पास में ही है, तो सोचा कि इसको भी एक्सप्लोर करके चलते हैं। तो अभी हूँ तिराप में और ब्रदर के साथ, तिराप के यूट्यूबर है, उनका नाम तो नानोक शिक्षा व्लॉग्स है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमको भी, ब्रदर का जितना सब्सक्राइबर है थोड़ा सा कृपया करके। नानोक शिक्षा व्लॉग है, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सब्सक्राइब करना ब्रदर के चैनल को। और अभी यहाँ पे स्टे होगा आज अपना, बहुत अच्छा लगा है, आप यहाँ में नेक्स्ट टाइम भी आइए, यहाँ में जब भी आएगा। ठीक है ठीक है, बिल्कुल अपना ही घर है। ठीक है, आते रहूंगा अभी तो। आपने इतना बढ़िया खाना खिला दिया, इतना टेस्टी, और नेक्स्ट टाइम इससे भी टेस्टी बनाओगे। तो भाभी जी ने अभी इनवाइट भी कर दिया नेक्स्ट टाइम के लिए, और फेस्टिवल पे आने के लिए भी इनवाइट किया हमें, तो जरूर आएंगे फेस्टिवल में। देखो कितना प्यारा फैमिली है, मम्मी पापा बेटी, वाह इतना बढ़िया है, फैमिली व्लॉग बनाओ आप लोग बढ़िया तरीके से। बाय बाय बोलो, गुड नाइट, तब तो अभी सोएगा सब लोग, चलो गुड नाइट, गुड नाइट, सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं अगले व्लॉग्स में। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आज अपना स्टे यहीं पे होगा ब्रदर के साथ में, बाकी कल हम घुमाएंगे आपको तिराप बढ़िया तरीके से। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।